दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दवाइयों की टैबलेट के बीचों बीच ये सीधी लाइन क्यों होती है? या फिर वो कौन सा बदकिस्मत इंसान था जिसके जिंदा रहने पर उस पर 3 बार बिजली गिरी, परंतु मरने के बाद भी उसकी कब्र को बिजली ने फाड़ के अलग कर दिया? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा पदार्थ भी है जिसका सिर्फ 1 ग्राम बनाने के लिए ही 15,000 करोड़ रुपये का खर्चा आता है? तो आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही कुछ अमेजिंग और शॉकिंग फैक्ट्स को जानोगे जिन्हें देखकर आप चकित रह जाओगे। तो आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि दवाइयों की कुछ टैबलेट्स के बीच में एक सीधी सी लाइन बनी होती है, जबकि कुछ टैबलेट्स पर वो लाइन नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लाइन किस लिए होती है? अगर नहीं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टैबलेट्स पर अंकित इस पैरेलल लाइन को डिबॉश लाइन कहा जाता है, जो टैबलेट्स की प्लेनर साइड पर होती है। ये लाइन ज्यादातर ज्यादा पावर की टैबलेट्स पर होती है, ताकि उसे 20 से तोड़कर उस टैबलेट की हाफ डोज भी ली जा सके। जैसे अगर आपके पास 100 mg की एक गोली है और डॉक्टर के मुताबिक आपको खुराक में 50 mg दवाई लेनी है, तो आप इस टैबलेट को तोड़कर बीच में से आधा करके उसे ले सकते हैं। एक खास बात और दोस्तों, जिन मेडिसिन पर ये डिबॉश लाइन ना हो, उसे आधा तोड़कर कभी ना खाएं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है, तो 10 में से 8 लोग जवाब में चंदन कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, चंदन महंगा जरूर है, लेकिन ये दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी जितना रेयर नहीं है। दोस्तों, यह है अफ्रीकन ब्लैकवुड। इसे ही दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी माना जाता है। जहाँ चंदन की लकड़ी की कीमत 5 से 7 हज़ार रुपये किलो होती है, वहीं अफ्रीकन ब्लैकवुड की कीमत महज 1 किलो की कीमत 8,000 पाउंड यानी 7 लाख रुपये से भी ज़्यादा होती है। अफ्रीका ब्लैकवुड का पेड़ अफ्रीका के कुछ ही गिने चुने इलाकों में पाया जाता है, और वहाँ भी ये अब बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं उगाए जाते। इस पेड़ की ऊंचाई 25 से 40 फीट तक होती है, और एक पेड़ को तैयार होने में 50 से 60 साल का समय लगता है। इसकी खूबसूरत लकड़ी का ज़्यादातर इस्तेमाल वैसे तो सहनाई, बांसुरी, गिटार जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए की जाती है, लेकिन इससे फर्नीचर भी बनाया जाता है, जो कि बहुत महंगा होता है। इतना महंगा कि उसको खरीदना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं। फैक्ट नंबर 3। काली लकड़ी के बाद यह है काला अंडा। यह बिल्कुल रियल है। यह एक अंडा इंडोनेशिया में पाए जाने वाले अयाम सिमानी नाम के एक चिकन प्रजाति का है। लैम्बोर्गिनी के नाम से मशहूर इस दुर्लभ चिकन की इंडोनेशिया में ही कीमत 1 लाख रुपए तक की है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस चिकन के अंडे तो काले होते ही हैं, साथ में इसका मांस, चमड़ी, आंखें और यहाँ तक कि इसकी जीभ भी काली होती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार इस चिकन के काले रंग की वजह है फाइब्रोमेलोसिस, जो कि एक मेडिकल कंडीशन होती है और सिर्फ इसी प्रजाति के चिकन में पाई जाती है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इसी से मिलती एक प्रजाति हमारे देश के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भी पाई जाती है, जिसे वहाँ कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है। कड़कनाथ की चमड़ी, मांस, पंख का रंग भी काला होता है, और इसका मीट तकरीबन 1 से 2 हज़ार रुपये प्रति किलो बिकता है। फैक्ट नंबर 4। क्या आप उस बदकिस्मत इंसान की सच्ची कहानी के बारे में जानते हैं, जिसके जिंदा रहते उस पर 3 बार बिजली गिरी सो गिरी, लेकिन उसके मरने के बाद भी उसकी कब्र पर बिजली गिरी, जिसने कब्र को बीच में से अलग कर दिया? मैं आपको बता दूं कि उस बदकिस्मत इंसान का नाम था वॉल्टर समरफोर्ड, जो ब्रिटेन में रहने वाला एक आम आदमी था। वॉल्टर के साथ पहली बार यह घटना 1918 में घटी, जब विश्व युद्ध के समय उनकी तैनाती बेल्जियम में थी। बिजली गिरने की वजह से उनकी कमर के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालिस हो गया था। फिर दूसरी घटना पहली घटना के ठीक 6 साल बाद यानी 1924 में घटी। रिकवरी के बाद वॉल्टर कनाडा में एक नई जिंदगी जी रहे थे। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए पास के एक तालाब में गए। यहाँ एक बार फिर उन पर बिजली गिरी। इस बार उनके शरीर के दाईं ओर के आधे हिस्से में लकवा मार गया। 2 साल में वॉल्टर फिर से पूरी तरह से ठीक हो गए, फिर से नॉर्मली चलने फिरने लगे, लेकिन अब भी बिजली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 1930 में एक बार फिर 6 साल बाद पार्क में टहलते हुए वॉल्टर पर आसमान से बिजली आ गिरी। यह तीसरी बार था। इसके बावजूद उन्होंने 2 साल तक जिंदगी से संघर्ष किया और आखिरकार 1932 में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, वॉल्टर समरफोर्ड की मृत्यु के बाद उनके परिजनों ने उन्हें वैनकूवर में स्थित माउंटेन व्यू सीमेंट्री कब्रिस्तान में दफना दिया, लेकिन बिजली ने वॉल्टर का मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा। उनकी कब्र पर एक बार फिर बिजली गिरी, जिससे उनकी कब्र के ऊपर लगाया गया पत्थर चकनाचूर हो गया। यह घटना भी तीसरी घटना के ठीक 6 साल बाद घटी थी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में एक से बढ़कर एक गजब के इंसान मौजूद हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मेडिकल कंडीशंस भी इंसान को सुपर पावर जैसी एबिलिटीज दे देती हैं। इनका नाम है गैरी टर्नर और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों, गैरी टर्नर एक साइड शो आर्टिस्ट हैं, लेकिन दुनिया भर में वो अपनी स्ट्रेचेबल स्किन के लिए मशहूर हैं।
गैरी अपनी पेट की स्किन को 15.8 सेंटीमीटर यानी कि 6.25 इंच की लंबाई तक खींचने में सक्षम है, जिसके लिए गैरी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोस्ट स्ट्रेचेबल मैन के रूप में दर्ज है। लेकिन इसमें गैरी की क्रिएटिविटी से ज्यादा उनकी एक रेयर मेडिकल कंडीशन जिम्मेदार है। उन्हें एलर पेनलॉस सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है जो कि एक प्रकार का टिश्यू डिसऑर्डर है। दोस्तों इसी डिसऑर्डर की वजह से वो अपनी स्किन को इतना स्ट्रेच कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपने देखा होगा जब भी किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो डेड बॉडी को बर्फ की सिल्लियों में रख दिया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ वैज्ञानिक ऐसी तकनीक विकसित करने में लगे हुए हैं जिससे डीप फ्रीजर में प्रिजर्व करके रखी गई इंसान की लाश को सालों बाद फिर से जिंदा किया जा सकेगा। अमेरिका के वैज्ञानिकों का दावा है कि वे जल्द ही दुनिया के सबसे पहले जमा कर रखे हुए मरे इंसान को जिंदा करके दिखाएंगे। इस तकनीक को क्रायोनिक नाम दिया गया है और इस पर काम कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि एक जीव की बेहद सर्द माहौल में जमने के बाद भी जिंदा रहने की संभावना रहती है। फिलहाल खरगोशों पर यह एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। क्रायोनिक की मदद से खरगोशों का दिमाग कई हफ्तों तक जिंदा रखा भी गया है, लेकिन इंसानों को फिर से जिंदा करने में अभी काफी समय लग सकता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों वैसे तो वैज्ञानिकों ने हम इंसान को कई ऐसे मटेरियल तैयार करके दिए हैं जिसने हमारी जिंदगी को पहले से आसान बना दिया है, लेकिन क्या आप उस पदार्थ के बारे में जानते हैं जिसे सिर्फ 1 ग्राम बनाने के लिए 18 बिलियन यूएस डॉलर या फिर 15,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसलिए वो दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ भी है और इस पदार्थ को हम एंटी मैटर कहते हैं। इसके 1 ग्राम की कीमत इतनी ज्यादा है कि इतने पैसों में कई देश खरीदे जा सकते हैं। जिस तरह सभी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनते हैं, उसी तरह एंटी मैटर भी एंटी प्रोटॉन पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे बनाने में इतने पैसे कहाँ लगते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च के जरिए यूरोप में 23 देशों ने मिलकर सन फैसिलिटी बनाई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फैसिलिटी को दुनिया में कॉम्प्लेक्स मशीन कहा जाता है। इसे बनाने में ही 1 दशक से ज्यादा का समय लगा था और इसकी ईयरली ऑपरेटिंग कॉस्ट ही 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एंटी मैटर पर चल रही है एक्सपेरिमेंट दुनिया को भविष्य में एनर्जी का एक अल्टरनेटिव सोर्स देंगे। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों अमेरिका में नेवाडा रेगिस्तान में लॉस वेगस नाम का एक शहर है जिसे सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ साल पहले तक यह शहर अपने कसिनो पार्टीज के अलावा एक और चीज के लिए टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था, यह था एटॉमिक टूरिज्म। दरअसल लॉस वेगास के 65 किलोमीटर दूर ही अमेरिकन आर्मी का एक वॉर टेस्टिंग साइट था। यहाँ 1551 से 1591 के बीच अमेरिका ने बहुत सारे टेस्ट किए। इस दौरान कसिनो की छत पर एक्सक्लूसिव एटॉमिक कॉकटेल पार्टीज हुआ करती थी। फिर बाद में अमेरिका ने ओवरग्राउंड टेस्टिंग बंद कर दी। इस तरह एटॉमिक टूरिज्म का भी अंत हो गया। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आप में से कई लोगों ने हॉलीवुड मूवी द हॉबिट जरूर देखी होगी। इस फिल्म को देखने के बाद हर किसी के मन में एक ख्याल जरूर आया होगा कि काश हमारा भी हॉबिट की तरह एक घर होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चीन में एक गांव असल में किसी सपने से निकले वंडरलैंड जैसा लगता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं चीन के हाउवान विलेज की, जिसे इंसानों ने तो छोड़ दिया लेकिन कुदरत ने बड़े ही प्यार से इसे गोद ले लिया। आपको बता दूं कि 1980 तक ये गांव 3000 मछुआरों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन संसाधनों के अभाव के चलते लोग धीरे धीरे ये गाँव छोड़कर शहर की ओर जाने लगे। 21वीं सदी आते आते ये गाँव लगभग वीरान सा हो गया, जिसके बाद कुदरत ने इसे अपने आगोश में ले लिया। हरी घास वनस्पति और लताओं ने यहाँ के घरों को इस प्रकार से ढक लिया कि ये खूबसूरत वीरान गांव एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों 19 साल की श्रेया सितानागौड़ा की जिंदगी तब एक मायूसी भरे रास्ते पर चल पड़ी थी जब एक रोड एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी दोनों बाजुएं गंवा दी। फिर एक उम्मीद की किरण तब जगी जब 20 साल के दिमाग से डेड सचिन नाम के एक लड़के ने श्रेया को अपनी दोनों बाजुएं डोनेट करने का फैसला किया। 20 डॉक्टर और 15 स्टाफ के लोगों ने मिलकर 13 घंटे तक चला एक अद्भुत ऑपरेशन किया जिसमें श्रेया को सचिन की बाजुएं लगाई गईं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि धीरे धीरे सचिन की बाजू जो कि श्रेया के स्किन टोन से काफी डार्क थी वो श्रेया की स्किन जैसी होने लगी। इसी को कहते हैं हम कुदरत का करिश्मा। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।